हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो नया मंत्रिमंडल बना है, कैबिनेट जो बनी है। 28 टोटल जो विधायक हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कमलनाथ सरकार जो बनी है उन्होंने इसको फाइनल कर दिया है। हालांकि अभी 100% इन्होंने फाइनल कर तो दिया है, लेकिन इसमें हो सकता है थोड़ा सा रीशफलिंग भी हो जाए। एक दो मंत्रियों के जो विभाग हैं वो हो सकता है चेंज हो जाए, तो वो कैबिनेट रीशफल के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। अभी तक क्या है, केवल न्यूज़पेपर वाले अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे थे, कई लोगों ने वीडियो भी बनाया, कई ब्लॉग्स भी मैंने देखे, ऊट पटांग तरीके से किसी भी मंत्री को कुछ भी अपने हिसाब से उन्होंने दे दिया, तो कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन ये विभाग जो हुए हैं अभी फाइनल हुए हैं। तो अगर हम मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, हालांकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, अभी चुनाव लड़ सकते हैं किसी जगह से, अभी वो चीज़ फाइनल 100% फाइनल नहीं हुई है। तो देखिए, इनके अंडर में क्या क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पास में रखा है औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जनसंपर्क विभाग जो पिछले नरोत्तम मिश्रा के अंडर में था, ठीक है, बीजेपी की सरकार में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विमानन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, अप्रवासी भारतीय विभाग यानी कि जो एनआरआई से संबंधित जो विभाग होता है, तकनीकी शिक्षा जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी इनने अपने पास रखा है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास और रोजगार विभाग भी इन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है अभी तक, ठीक है। इसके अलावा जो विभाग किसी को भी आवंटित नहीं हो वो भी अभी इनके पास ही रहेगा जब तक कि वो आवंटित नहीं हो जाते। तो इतने सारे विभाग जो हैं अभी इनके नाम पे रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बाला बच्चन की, काफी सीनियर हैं। इससे पहले देखिए, यहां से एक बात मैं बता दूंगा आपको, प्रश्न आजकल व्यापम कैसे पूछता है। देखिए, एक तो ये पूछ ही लेता है कि कौन सा विभाग का मंत्री कौन है, ठीक है, या मंत्री का नाम दे देंगे विभाग पूछ लेंगे, विभाग का नाम दे देंगे मंत्री पूछ लेंगे। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ये कहां से विधायक हैं, मतलब इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था वो कहां से लड़ा था, ठीक है। तो ये अपने को याद रखने वाली बात यहां पर है। तो बाला बच्चन जो हैं, हालांकि इनकी संपत्ति वंपत्ति है कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे फोटो अच्छे नहीं मिल रहे तो इसलिए मैंने दैनिक भास्कर से उठा लिया है। तो ये देखिए, इनको गृह विभाग दिया गया है, गृह विभाग के अलावा इनको जेल विभाग भी दिया गया है और मुख्यमंत्री से संबंध अन्य विभाग इनको दिए गए हैं। और बड़वानी जिले की जो राजपुर की सीट थी वहां से ये चौथी बार विधायक बने। पिछली जो विधानसभा थी उसमें भी ये उपनेता प्रतिपक्ष थे और पहले भी राज्य सरकार में मंत्री भी ये रह चुके हैं। फिर बात करते हैं हम ब्रजेंद्र सिंह राठौर की, तो ये टीकमगढ़ जिले की जो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा है, चौथी बार ये बने हैं और दिग्विजय सिंह के करीबी भी हैं। वाणिज्यिक कर विभाग इनको दिया गया है, कौन सा, वाणिज्यिक कर विभाग। अगला है गोविंद सिंह राजपूत, ये आपके सागर जिले की जो सुरखी सीट है वहां से चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी यही हैं, गोविंद सिंह राजपूत। ये ध्यान रखें आप, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। 2003 और 2008 में भी सुरखी सीट से ही जीते थे, 2013 में मोदी लहर जो आई थी उसमें ये हार गए थे। इनके पास में है राजस्व विभाग और परिवहन विभाग। नेक्स्ट हमारे प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ये सांची विधानसभा सीट से जीते हैं और शिवराज सरकार में जो मंत्री रहे गौरी शंकर कृषि मंत्री थे उनके बेटे मुदित सेजवार को इन्होंने हराया था और स्कूल शिक्षा विभाग इनको दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखें, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा विभाग इनको दिया गया है। फिर बात करते हैं इमरती देवी की, तो इमरती देवी जो डबरा से हैं और महिलाओं को केवल दो महिलाएं हैं जिसको पूरी कैबिनेट में अभी तक 28 लोगों में से दो महिलाएं इसमें हैं, केवल दो लोगों को दिया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो महिला और बाल विकास विभाग जो है वो इमरती देवी को दिया गया है, डबरा से ये जीती हैं, ठीक है, ग्वालियर जिले की जो डबरा सीट है वहां से लगातार तीन बार जीती हैं और ग्वालियर यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आरएफ अकील, आरएफ अकील को जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो है भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, ये इतने विभाग इनको दिए गए हैं और भोपाल उत्तर की जो सीट है, ठीक है, वहां से ये जीते हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। हर्ष यादव जो है कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग इनको दिया गया है और जो सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट है वहां से जीते हैं, 2013 में भी यहीं से जीते थे और ये कमलनाथ के गुट में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल संसाधन विभाग दिया गया है हुकुम सिंह कराड़ा को और शाजापुर विधानसभा सीट से पांचवी बार विधायक बने हैं, 2013 में यहां से भाजपा के अरुण भीमावत से हार गए थे और 93 से लेकर 2018 तक लगातार चार बार विधायक यहां के रहे हैं। तो जल संसाधन विभाग दिया गया हुकुम सिंह कराड़ा को। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पहले इनको वित्त विभाग दिया जा रहा था हालांकि उस पर फिर सहमति नहीं बनी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इनको दिया गया है। और गुना जिले की जो राघोगढ़ विधानसभा सीट है जहां से इनके पिताजी दिग्विजय सिंह भी यही से ही ज्यादातर चुनाव लड़े हैं और वहां से दूसरी बार विधायक बने हैं, ठीक है,
तो ये जयवर्धन सिंह हो गए आपके। फिर हमारी लखन घनघोरिया जो सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग इनको मिला है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भी उसी में ही आएगा आपका। और जबलपुर पूर्व से विधायक 2013 में मोदी लहर में हार गए थे। जीतू पटवारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग इनको दिया गया है। और राव राव जो है आपका वहां से लगातार दूसरी बार विधायक बने और किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट हमारे लाखन सिंह यादव जो पशुपालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग इनको दिया गया है, मत्स्य विकास विभाग, ठीक है। और ग्वालियर की जो भितरवार सीट है वहां से ये जीते हैं। लगातार दूसरी बार अटल जी के भाजे अनूप मिश्रा को इन्होंने हराया है। और दिग्विजय सिंह कैबिनेट में बसपा कोटे से मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह सिसोदिया, तो इनको श्रम विभाग दिया गया है। और गुना जिले की जो बमोरी विधानसभा सीट है वहां से ये चुने गए। नेक्स्ट है ओमकार सिंह मकराम जिनको जनजातीय कार्य विभाग दिया गया है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग भी इन्हीं को दिया गया है। और डिंडोरी जिले की डिंडोरी सीट से ही ये जीते हैं 2008 में, और 2013 में भी यहीं से ये जीते थे ओमकार सिंह मकराम। फिर हमारे पीसी शर्मा और इनको दिया गया है विधि एवं विधायी कार्य विभाग, और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ विभाग भी इनको मिलेंगे। तो भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट जो है, भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट वहां से ये दूसरी बार विधायक बने। शिवराज सरकार में मंत्री उमाशंकर गुप्ता को इन्होंने अभी हराया है। पहले सज्जन सिंह वर्मा इनको दिया गया है लोक निर्माण विभाग, ठीक है ना, पब्लिक डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और पर्यावरण विभाग, ये दो विभाग इनको दिए गए सज्जन सिंह वर्मा को। और देवास जिले की जो सोनकच्छ सीट है, ठीक है, वहां से ये चुनाव जीते हैं। पांचवी बार विधायक बने, 2009 से 2014 तक देवास लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदीप जायसवाल, तो इनको खनिज साधन विभाग दिया गया है, ठीक है। और 12 सिवनी सीट से निर्दलीय चुनाव जीते हैं। शिवराज सिंह चौहान के जो साले हैं संजय सिंह बसानी को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस से बागी हो गए थे। जीतने के बाद कमलनाथ को समर्थन दिया और दिग्विजय सिंह के गुट से आते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखना है अपने को 12 सिवनी सीट। नेक्स्ट है सचिन यादव, खरगोन जिले की जो कसरावद सीट है वहां से लगातार दूसरी बार ये जीते हैं। इनको दिया गया है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। नेक्स्ट हमारे सुखदेव पांसे को दिया गया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ठीक है। तो बैतूल जिले की जो मुलताई विधानसभा सीट है वहां से ये चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है तुलसी सिलावट, सांभेर से चौथी बार विधायक बने हैं। 1985 में पहली बार सांभेर सीट से विधानसभा में पहुंचे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इनको दिया गया है तुलसी सिलावट को। नेक्स्ट है उमंग सिंघार जो है वन विभाग इनको दिया गया है। धार जिले की जो गंधवानी सीट है वहां से ये तीसरी बार विधायक बने हैं। विजय लक्ष्मी साधु ये दूसरी बार दूसरी महिला हैं जो इन इनके विभाग में रही हैं इमरती देवी के अलावा। तो इनको दिया गया है संस्कृति विभाग, चिकित्सा विभाग और आयुष विभाग, मतलब हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो आपकी यही होंगी। इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो भी इनको ही दी गई हो। खरगोन जिले की जो महेश्वर सीट है वहां से विधायक हैं। 1985 से लगातार चार बार विधायक रही हैं, और उनको 2010 में राज्यसभा भी भेजा गया था। ये पॉइंट आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट अपने को याद रखना है कि 2010 में इनको राज्यसभा में भी भेजा जा चुका है विजय लक्ष्मी साधो को। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह, और सहकारिता विभाग संसदीय कार्य विभाग इनको दिया गया है। और भिंड जिले की जो लहार सीट है वहां से ये चुनाव जीते हैं, और लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। और दिग्विजय सिंह की सरकार में गृह राज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं। फिर हमारे सुरेंद्र सिंह बघेल, तो सुरेंद्र सिंह बघेल जो है इनको नर्मदा घाटी विकास विभाग दिया गया है, और इसके अलावा इनको पर्यटन विभाग भी दिया गया है। और धार जिले की जो कुक्षी विधानसभा सीट है वहां से जीते हैं, और 2013 में पहली बार विधायक बने थे। आगे हम बात करते हैं कमलेश्वर पटेल की, जो जिन्हें दिया गया है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। सीधे जिले की जो सिंघावल विधानसभा सीट है वहां से दूसरी बार विधायक बने हैं, और ये पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल जो है उनके बेटे हैं। फिर हमारा प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं ये जो आपके ग्वालियर विधानसभा की सीट से जीते हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके पुत्र हैं शायद, ये जहां तक मुझे याद है, ठीक है। और शिवराज सरकार में मंत्री जयवंत सिंह पवैया को इन्होंने हराया है। और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इनको दिया गया है। नेक्स्ट हमारे प्रियव्रत सिंह, जो ऊर्जा विभाग का मंत्रालय इनको दिया गया है। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा सीट से जीते हैं, और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये रह चुके हैं।
तो गाइज ये पूरे थे हमारे 28 मंत्री। हो सकता है कैबिनेट रीसफल हो जाए, रीसफल होने के बाद मैं फिर से आपको इसका वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन कौन से मंत्री, एक या दो या तीन लोगों की मुश्किल से डिपार्टमेंट चेंज होंगे, बाकी ऐसा किसी का डिपार्टमेंट चेंज नहीं होने वाला है। तो ये फाइनल आपका रहेगा। कुछ के पास जिनके पास एडिशनल चार्ज है तो कुछ और लोग भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वो फिर उनको अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। तो मेन कैबिनेट जो है आपकी वो यही रहेगी, और जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली कैबिनेट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूरा था आपका मध्य प्रदेश कैबिनेट के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।